हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पीपी टेक्स में। तो दोस्तों, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं इंडियन नेवी 2023। अगर आपने हाल ही में फॉर्म फिल किया था ट्रेडमैन स्किल्ड का, दोस्तों एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो बने रही है और आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में जो फॉर्म भरा गया था इंडियन नेवी का, तो दोस्तों उसमें जो ट्रेडमैन की वैकेंसी थी, तो उसमें जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो उसमें किसी के प्रकार का मैसेज को नहीं आया है, कोई मेल नहीं आया है। तो डायरेक्टली आपको लिंक पे ही जाकर ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। अभी हाल ही में लिंक ओपन हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे हम ऑफिशियल साइट पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देंगे कुछ स्टेप, होम, एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक एडमिट कार्ड का। दोस्तों आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। अब डायरेक्ट इस पेज में जाएंगे और एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद एक साइट ओपन हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी। मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ क्या करना होगा। अगर यहाँ पर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ डिटेल फिल की होंगी, ईमेल आईडी या एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, लॉगिन आईडी की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपके पास ईमेल आईडी हो या एप्लीकेशन नंबर हो, जब आपने फॉर्म प्रिंट निकला होगा तो आपके पास ईमेल आईडी के पास एप्लीकेशन नंबर भी होगा, तो आपको यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी चीज़ एक चीज़ डाल सकते हैं। पासवर्ड की जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आप ईमेल आईडी के साथ में मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं या एप्लीकेशन नंबर के साथ आधार नंबर डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ डालने के बाद सिंपली क्या करना होगा आपको, यहाँ पर ये नीचे दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डिटेल फिल करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देगी, जैसे कि आपका कौन सी सिटी में एग्ज़ाम है, किस तारीख में आपका एग्ज़ाम है, क्या टाइमिंग है, तो सभी आपको एडमिट कार्ड में शो होगा। तो चलते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं सिंपल तरीके से कुछ स्टेप में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल फिल की है, यानी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर मैंने फिल किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नीचे ऑप्शन दे दिया गया है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ देख सकते हैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, थोड़ी डिटेल आपको यहाँ बेसिक दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एग्ज़ाम सिटी के साथ आपको दिखाई देगा एग्ज़ाम डेट। पहले एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, एग्ज़ाम टाइमिंग देख सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कहाँ आपका एग्ज़ाम है। और इसको थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा एग्ज़ाम एड्रेस यहाँ दिखाई देगा, किस फ्लोर पर आपका एग्ज़ाम है, रूम नंबर क्या है, तो सभी यहाँ पर एडमिट कार्ड में आपको शो होगा। कब आपको पहुँचना है, कितने घंटे का आपका एग्ज़ाम है, सभी यहाँ अपना देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ बताया गया है कि आपका जो प्रिंट आउट आपको ले जाना है एडमिट कार्ड का, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जानी है, और ब्लैक बॉल पेंट आपको ले जाना है, यानी कि ब्लैक या ब्लू आपके पास पेन होना चाहिए जिसमें जैसे एडमिट कार्ड में कहा गया है। और बेसिक डिटेल आप नीचे देख सकते हैं जहाँ पर दिया गया है, इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं बेसिक डिटेल में, यानी कि सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ट्रेडमैन स्किल्स का एडमिट कार्ड इस तरह डाउनलोड करना है जिस आपको दिखाया गया है, लिंक दोस्तों बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। किसी पर समस्या दोस्तों आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। दोस्तों मेरी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।